सावन के पहले सोमवार को ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा शांति और बिना किसी तनाव के पूर्ण हुई। प्रशासन को जिस बात का डर था वैसा कुछ नहीं हुआ। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ब्रजमंडल यात्रा पूरी हुई। पिछली मर्तबा जो हुआ उससे बिल्कुल अलग इस बार धार्मिक कार्यक्रम में सामाजिक सौहार्द और भक्ति की अनूठी मिसाल देखने को मिली। यात्रा नूह के नल्हड़ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना और शिवलिंग पर जलाभिषेक से शुरू हुई, जो बाद में फिरोजपुर झिरका स्थित झिर मंदिर पहुंची। वहां पर पूजा अर्चना और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया। इसके बाद ये यात्रा गांव सिंगार स्थित ऐतिहासिक और पवित्र स्थल राधा श्री कृष्ण मंदिर पर पहुंची और यहां पर पूजा अर्चना की गई। धार्मिक कार्यक्रमों के मद्देनजर व्यापक स्तर पर तैयारियां और प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे। नूह जिले के सभी मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूरी उत्साह के साथ पूजा अर्चना की। सभी धर्मों के लोगों ने ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा का स्वागत किया और इस यात्रा का स्वागत करने के लिए जगह जगह हिंदू, मुस्लिम और व्यापार मंडल द्वारा पंडाल लगाए गए थे। नूह जिले के तीनों प्रमुख मंदिरों के अलावा अन्य मंदिरों में भी पूरा दिन भीड़ लगी रही। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने जगह जगह नाके लगाकर शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम किया। सभी सुरक्षा प्रबंधों को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग किया। नू से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।